कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जब देश और प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया तो इसके साथ ही देश में करोड़ों की संख्या में मौजूद उन लोगों की रोजी रोटी पर भी संकट आ गया जो या तो प्रवासी थे या दिहाड़ी मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। ऐसी परिस्थिति में ताकि प्रदेश में कोई भूखा न सोए इसका संकल्प मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया और दानदाताओं भामाशाहों सामाजिक संस्थाओं और आमजन के सहयोग से राज्य सरकार काफी हद तक अपने इस लक्ष्य को पाने में कामयाब भी रही। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना की भी शुरुआत करने का ऐलान किया। योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को जो किन्हीं कारणों से अपना भोजन खुद नहीं बना सकते और उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वे किसी होटल या ढाबे में जाकर खाना खा सकें, को सस्ती दर पर साफ स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना था। अब ये मुहिम पूरे राजस्थान में लागू हो गई है। दरअसल आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में इस योजना की शुरुआत हो गई है। क्या कुछ है इस योजना की विशेषताएं, आइए आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत की कोई भी भूखा न सोए की मुहिम, प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना की हुई शुरुआत। योजना के तहत केवल 8 रुपए में पौष्टिक भोजन। स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रदेश की 213 नगर निकायों में हुई शुरुआत। 358 रसोइयों के जरिए बैठा कर भोजन करवाने की व्यवस्था। शहर के प्रमुख स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल में खोली जाएंगी रसोई। भोजन में मुख्य रूप से दाल, रोटी, सब्जी और अचार। राज्य सरकार देगी प्रति थाली 12 रुपए अनुदान। रोजाना 1.34 लाख और सालाना 4.87 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य। ऑनलाइन मॉनिटरिंग और मोबाइल पर SMS से मिलेगी कूपन की सूचना। भोजन में गुणवत्ता और स्वच्छता का विशेष ध्यान। सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे तक मिलेगा दोपहर का भोजन। शाम का भोजन 5 से 8 बजे तक मिलेगा। हालांकि इस योजना का नाम इंदिरा रसोई योजना रखे जाने पर BJP नेता आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना है कि अन्नपूर्णा योजना का नाम बदलकर इंदिरा रसोई योजना रखा गया है, लेकिन यहाँ यह बताना जरूरी है कि इंदिरा रसोई नाम रखे जाने के पीछे दो कारण हैं। एक तो ये कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी इंदिरा गांधी के समय में ही देश में हरित क्रांति आई थी और भारत अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना था। दूसरा कारण ये है कि पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु की पत्नी और हिंदू धर्म की प्रमुख देवियों में से एक देवी लक्ष्मी धन धान्य की देवी है और उनका एक नाम इंदिरा भी है। ऐसे में अगर किसी ऐसी योजना का नाम इंदिरा के नाम पर रखने पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है, ये समझ से परे है।